एक बार सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी वहाँ एक ज्योतिषी आ पहुँचा और बोला, मैं ज्ञानी हूँ, मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? सुकरात ने उससे अपने बारे में बताने को कहा। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर के द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सुकड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। शिष्य की बातें सुनकर गुस्से में आ गए, लेकिन सुकरात ने उन्हें शांत कराया। ज्योतिषी आगे बोला, तुम्हारा बेडोल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची ज्योतिषी हो। सुकरात ने ज्योतिषी को इनाम देकर विदा कर दिया। शिष्य के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गया। सुकरात ने उन्हें समझाया कि ज्योतिषी के बताए सारे दोष मुझ में हैं, लेकिन वह मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैंने उन बुराइयों को वश में कर रखा है। बस वही चूक गया, वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। मंत्र बुद्धि का प्रयोग कर हम अपनी कमियों से पार पा सकते हैं।